कोरोना वायरस का नया रूप एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। करीब 18 महीने पहले चीन के वुहान में कोरोना वायरस मिला था। कुछ वक्त बाद इसका एक वेरिएंट सामने आया जिसे अल्फा नाम दिया गया, फिर डेल्टा आया और अब ओमिक्रॉन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से ज्यादा संक्रामक माना है, लेकिन यह भी कहा है कि यह डेल्टा के मुकाबले कितना घातक है ये जानने में अभी वक्त लगेगा। ओमिक्रॉन संक्रामक इतना है कि महीने भर में ही यह 70 से अधिक मुल्कों में फैल चुका है। भारत के कई राज्यों में भी ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। WHO भी इसकी संक्रामक रफ्तार से चिंतित है। तो आइए जानते हैं कि कोरोना कैसे बनाता है अपना नया वेरिएंट और यह कितना खतरनाक होता है। कोरोना वायरस जब किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो अपने विस्तार के लिए अपनी ही नकल बनाता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कई बार वायरस नकल करने में गड़बड़ी कर देता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और जब वायरस में लगातार इतने म्यूटेशन होते हैं कि वह पहले से अलग दिखने लगता है तो उसे नया वेरिएंट कहते हैं, जैसे पहले अल्फा, फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून जुलाई में जब डेल्टा की लहर आई थी तब दोबारा संक्रमण की दर में सामान्य थी, लेकिन ओमिक्रॉन शुरुआत से ही तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, जिसका सीधा मतलब है यह वेरिएंट लोगों की उसी इम्यूनिटी को भी तार तार कर दे रहा है जो लोगों को पहले हुए कोरोना संक्रमण के दौरान स्वस्थ होने के बाद मिली थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि वायरस किसी व्यक्ति को तभी संक्रमित कर सकता है जब उसे इम्यून सिस्टम की कमजोरी मिल गई हो। जानकारों का कहना है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस के सैकड़ों हिस्से पहचान सकता है, लेकिन स्पाइक प्रोटीन में मौजूद 6 हिस्से संक्रमण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर इनमें बदलाव आया तो हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को नहीं पहचान पाएगा। ओमिक्रॉन में इनमें से 3 में बदलाव हैं, इसलिए यह पहले के वेरिएंट के मुकाबले कहीं अधिक संक्रामक है। दुनिया भर के विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि संक्रमण के मामले में ओमिक्रॉन कहीं डेल्टा को पीछे छोड़ कोरोना वायरस का डोमिनेंट वेरिएंट न बन जाए। इसका मतलब साफ है कि इम्यूनिटी अच्छी है तो काफी हद तक ओमिक्रॉन से लड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर किसी ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है या फिर कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं तो वह ओमिक्रॉन से लड़ने में अपेक्षाकृत बेहतर है। जानकारों का कहना है कि ऐसी प्रबल संभावना है कि एक वक्त के बाद लोगों का शरीर खुद ब खुद इसे लड़ने का अभ्यस्त हो जाएगा, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हम सैकड़ों वायरस के संपर्क में आते हैं, जिनसे हम एक बार की बीमार तो हो जाते हैं, लेकिन जब दोबारा इनके संपर्क में आते हैं तो हमें संक्रमण का पता तक नहीं चलता। ऐसे में पूरी संभावना है कि हो सकता है कि इस वक्त के साथ ये वायरस ऐसा बन जाए जो बड़ी तबाही न मचाने में सक्षम हो। हालांकि इसमें कुछ साल का वक्त लग सकता है और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा ही होगा।